चले परदेश, हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। बरसों पुराना ये गलियां पचपन घट ये मंदिर बरसों पुराना। कल तक ये सब अपना था, अब लगता है बेगाना। बदला जग ने बदला जग ने भेष, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। के मारों को भूल न जाना, भूल न जाना। आते जाते खैर खबर सब लोगों की दे जाना, ले जाना संदेश, ले जाना संदेश, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। इंडिया न्यूज चैनल और आज समाज अखबार से मैं सुनील शर्मा। हम इस समय सेक्टर 22 के ये जो बीट बॉक्स है, ये मेरे बिल्कुल पीछे बीट बॉक्स है चंडीगढ़ पुलिस का, सेक्टर 22 सी का। हम यहाँ पे खड़े हैं। ये जो लोग आप देख रहे हैं ये दिहाड़ीदार लोग हैं जो यहाँ पे देखिए इधर भी कर्फ्यू में फंसे हुए हैं। ये कर्फ्यू में फंसने के कारण यहाँ पे फंस गए और ये गाँव जाना चाहते हैं। खाना लेकिन इनको मिल रहा है, प्रॉपर खाना गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है। कुछ लोग एनजीओज है वो भी इनको खाना पहुंचा रहे हैं। तो लेकिन इनका ये कहना है कि हम यहाँ पे बेले नहीं रह सकते क्योंकि हम सारा दिन तो काम करते थे, अब बेले रह के क्या करेंगे। इसलिए गांव में जाएंगे और खेती बाड़ी करेंगे। हमारे साथ हेड कांस्टेबल दविंदर जी हैं,
हम इनसे बात करते हैं क्योंकि यही बीट इंचार्ज है यहाँ के। देवेंद्र जी, आपका क्या कहना है, ये जो लोग इतनी भीड़ लगी हुई है और सोशल डिस्टेंस बहुत अच्छा आपने बनवाया हुआ है कि अपने गैप देके खड़े हैं लोग, ये सारे बहुत अच्छा मैसेज आएगा। तो मास्क भी देखो सब ने लगाए हुए हैं, ये भी अच्छा मैसेज है। तो आपका ये कहना है कि ये लोग गांव जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं? सर, ये अपने गांव जाना चाहते हैं और हम इनकी जो ना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं चंडीगढ़ की वेबसाइट पे, जो जिस प्रदेश का रहने वाला है, गाँव का प्रदेश का नाम लिख के इनकी सब रजिस्ट्रेशन की जा रही है। और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का आदेश होगा, जहाँ भी इनका किसी प्रदेश के जहाँ भी जो प्रबंध किया जाएगा, उनके अनुसार इनको भेजा जाएगा। ठीक है, तो इनकी कब तक ये अपना हो जाएगा काम पूरा? इनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं सर हम, जब इनका काम पूरा हो जाएगा या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई आदेश होगा, हम इनको यहीं पे बस्सी वगैरह लग जाए तो इनको गांव भेज दिया। जी सर, जैसा भी आदेश होगा एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं हम सभी लोगों की, और यहाँ पर रह रहे इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये अपने गांव जाना चाहते हैं कि हमें यहाँ पर काम नहीं है तो अपने बच्चों के पास जाना चाहते हैं। ये जो इतनी लेबर है, ये रिक्शा रेडी चलाने वाले लोग हैं, तो ये यहीं के 22 सी के हैं सारे? ये 22 सी के हैं सर, ये 22 सी में शोरूम के सामने शास्त्री मार्केट के इधर उधर रहने वाले ये बंदे हैं सारे। ठीक है जी सर। और कुछ रिक्शा चलाते हैं, कुछ लेबर का काम करते हैं, कुछ दुकानों पर काम करते हैं, ये सभी लेबर वाले हैं सर। चलो बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, हम कैमरामैन को कहेंगे ये सीन जरूर दिखाए, ताकि ये देखो कितनी लोग यहाँ पे कैरफ्यू फंसे हुए हैं, इनको भी अपने घर जाने का मौका मिला, इनको बड़ी राहत मिलेगी, अपने बच्चों से मिलेंगे, शायद इनके बच्चे वहीं गांव में रहते होंगे। तो भैया आपका क्या कहना है, गांव जाओगे तो ठीक रहेगा? हाँ सर, ठीक रहेंगे, बच्चों के पास पहुँच जाएंगे आप लोग, है ना? तो राशन वगैरह यहाँ खाना वगैरह पूरा मिल रहा है आपको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम, खुद ही जाना चाहते हो? गवर्नमेंट कोई जबरदस्ती हो नहीं भेज रही ना? नहीं सर। ठीक है, बहुत दबाव तो नहीं आपको? नहीं नहीं सर, आप ठीक रह रहे हैं यहाँ पे? ठीक रह रहे, अपनी मर्जी से बोलो, आप यहाँ पे शांति से रह रहे हैं? हाँ, कोई परेशानी है? नहीं नहीं, खाना मिल रहा है, रहने का मिल रहा है, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर। आप अपनी मर्जी से जाना चाहते हो? हाँ सर। बोलो भाई, सारे मर्जी जाना चाहते हो? क्यों जाना चाहते हो? सर यहाँ पे तो हम लोग पहले काम करते थे, तो काम मिलता था तो हम ठीक रहते थे, अब ये बैठ के जो खा रहे हैं, सेहत खराब हो रही है, सेहत खराब हो रही है, इसलिए हम सर इनका कहना है कि अभी हमें जो है ना, हम बैठ के खा रहे हैं, हमें अच्छा लगता है, अपने प्रदेश जाएंगे हम, वहाँ जो है ना अपने बच्चों के साथ रहेंगे, तो हम अपनी मर्जी से और अपनी खुशी से जा रहे हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, थैंक यू देवेंद्र जी। तो सर बहुत थोड़ी है, दो दो बिस्कुट ले जाओ अभी, दो दो बिस्कुट उठाई जाओ, दूध ले लो बिस्कुट, चल भी चल। पंजाबी रेस्टोरेंट सेक्टर 22 वाले बिशु जी, जब से ये लॉकडाउन हुआ है, कर्फ्यू लगा है, तब से खाना खिला रहे हैं जो गरीब लोग कर्फ्यू में फंसे हुए हैं। आज उनके लिए यहाँ पे पुलिस रजिस्ट्रेशन कर रही है कि जो लोग अपने गांव जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। यहाँ पे चंडीगढ़ पुलिस ने उनके लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का काम शुरू किया हुआ है। देखिए यहाँ पे कितनी लेबर है, जो यहाँ पे पुलिस वालों ने रजिस्ट्रेशन के लिए कैंप लगाया हुआ है, और सभी को यहाँ से रजिस्ट्रेशन करके गांव भेजा जाएगा। यहाँ देखिए कितने लोग हैं जो गांव जाना चाहते हैं। हम बीसी जी से बात करते हैं, क्योंकि बीसी जी का यही कहना है कि ये अपने गांव चले जाएंगे, लेकिन हमें इनकी याद बहुत आएगी, क्योंकि ये रोज लंगर लगाते थे सुबह शाम और दोपहर को, तो जब ये लोग नहीं रहेंगे तो ये कहते हैं हम लंगर किसको खिलाएंगे। तो बिशु जी से हम बात करते हैं, बिशु जी
अगर ये अपने गांव बच्चों के पास जा रहे हैं इनके लिए तो बहुत खुशी है, लेकिन आपको कैसा लग रहा है क्योंकि ये जब चले जाएंगे तो फिर लंगर खाने वाले लोग नहीं रहेंगे, आपका क्या कहना है इसमें? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ITV नेटवर्क का, आसमास का, अजय शुक्ला जी का और सुनील शर्मा जी का, जो खासकर जो टाइम टू टाइम आते हैं। जैसे हमें पता लगा इनकी रजिस्ट्रेशन हो रही है तो बेचारे आधे पौने घंटे में लाइन में लगे हुए थे, तो मैंने जल्दी से जल्दी दूध और बिस्कुट तैयार कराए ताकि इनको कुछ तो कुछ खाने को मिले। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा ITV नेटवर्क का, आसमास का, जो टाइम टू टाइम आके हमारा हौसला बताते हैं और खासकर सुनील शर्मा। देखिए बिशु जी का यही कहना है कि ये लोग तो चले जाएंगे तो, लेकिन देखिए कितने लोग, देखिए कितनी भीड़ लगी हुई यहाँ पे, देखिए आप लाइन से आगे कोई नहीं आगे लाइन भाई जाओ। ये सभी लोग गांव चले जाएंगे तो इनका यही कहना है कि हम जो लोग हैं काम करते थे हम सारा दिन, हम बेहले नहीं रह सकते, इसलिए गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छी सुविधा दी है कि अपने अपने गांव जाना चाहते हैं जो लोग उनकी रजिस्ट्रेशन कर दी जाए और चंडीगढ़ पुलिस के जवान इसमें लगे हुए हैं इनकी रजिस्ट्रेशन करने के लिए। लाइन पे गैप रखो, गैप रखो अपना। बीसी जी का यही कहना था कि जब तक ये कर्फ्यू रहेगा हम इनको लंगर खिलाते रहेंगे, लेकिन कर्फ्यू लगा ही रहेगा लेकिन ये लोग अपने गांव चले जाएंगे। अब बीसी जी आपका क्या कहना है इसके लिए, क्योंकि ये गांव चले जाएंगे, आपने वादा किया था कि सबको हम लंगर खिलाते रहेंगे जब तक कर्फ्यू रहेगा, कर्फ्यू लगा रहेगा लेकिन ये लोग चले जाएंगे, जैसे गवर्नमेंट ने एक सुविधा दी है कि जाएंगे अपने बच्चों के पास भी चले। देखिए पिछले 41 दिन से हम लगातार कंटिन्यू इनके साथ जुड़े हैं, अब तो ऐसा लगता है कि जैसे ये हमारा परिवार है। अब जब ये चले जाएंगे तो इनको बहुत ज़्यादा मिस भी करेंगे और याद भी करेंगे कि हमारा परिवार चला गया। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ITV नेटवर्क का, अजय शुक्ला जी का और इन सब का, इन सब भाइयों का जो टाइम टू टाइम यहाँ पर आके हमारे साथ खड़े, धन्यवाद। अच्छा दो बंदे हैं, ठीक है फिर इसीलिए कोई बात नहीं। दो बिस्कुट।